चलिए तो अगला टॉपिक हमारा है पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। चलिए पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो अल्कलाइन। ये भी अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन यानी एसिडिक या बेसिक? जल्दी बोलो। बेसिक वेरी गुड। नेक्स्ट, कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स। कंटेन्स कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, जैसे पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो कि एक्ट करता है स्टार्च पे। एक्ट्स ऑन स्टार्च, और 70% स्टार्च, 40% माउथ में हो गया था, याद आ रहा है? हाँ थर्टी सर, परसेंट मैंने सुना सुना हाँ 30% स्टार्च का राइशन माउथ था। में हो रहा था, सलाइवा में। 70% यहाँ हो रहा है। जो स्टार्च है उस पे एक्ट करता है पैनक्रेटिक अमाइलेज। पैनक्रिएटिक अमाइलेज, और वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। ठीक है, ये तो एक सेकंड, ये तो पैनक्रेटिक अमाइलेज हो गया ना। दूसरा, पैनक्रेटिक लाइपेज। देखो अमाइलेज एक्ट करता है शुगर पे, लाइपेज एक्ट करता है फैट पे। लिखो, एक्ट ऑन इमल्सिफाइड। अगर ध्यान हो अभी जस्ट पढ़े, लिवर से आने वाला बाइक इमल्सिफिकेशन किया था, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा था। अब उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा पैनक्रेटिक लाइपेज। एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड। पैनक्रेटिक लाइपेज का नाम है स्टेप्सीन। ठीक है, ये जो इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड है, देखो लिख देता हूं आगे, इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। कौन एक्ट करता है? पैनक्रेटिक लाइपेज, और इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड तीन मॉलिक्यूल। इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड पैनक्रेटिक लाइपेज पे एक्ट करेगा, यानी सॉरी पैनक्रेटिक लाइपेज इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड पे एक्ट करेगा और फिर कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे। फैटी एसिड तीन मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। ठीक है, यहां तक मैं किसी को दिक्कत तो बताइए, यहां तक मैं किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए। नो सर। अब तीसरे का बात करते हैं। वैसे हवा में तो नहीं गुजर रहा ना, मेरे को पूरा शुरू से रिवाइज कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तीन जूस, बाइल, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल। हम लोग बाइल पढ़ लिए, बाइल में था बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट में मेनली आपको ध्यान रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में इसका रोल है। ठीक है, साथ में डाइजेस्टेड फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है।
मीडियम को अल्कलाइन बनाता है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है। दूसरा उसमें बाई पिगमेंट भी होता है, बाई पिगमेंट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है, ऐसा ही इसको स्पेसिफिकली बनाया जाता है। बाई प्रोडक्ट यानी किसी और काम करते करते ये भी बन गया, हम असल में ब्लड को ब्रेक कर रहे थे तो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन भी ब्रेक हुआ और हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से बना दो टाइप का बिलरुबिन और बिलिबडीन। बिलरुबिन 85% होता है येलोइश होता है, बिलिबडीन 15% होता है और ग्रीनिश होता है, ठीक है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर रहा होता है, लीवर उसको वहां से छानता है और गट में यानी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाल देता है और उसी के वजह से कलर आता है हमारे स्टूल का। कलर किस कारण से? स्ट्रोकोबिलिक आयन, स्ट्रोकोबिलिक आयन के वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैनक्रेटिक जूस का, बाइल जूस हो गया, अब पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस का बात करो, ये भी अल्कलाइन होता है, इसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पैनक्रेटिक अमाइलेज हो गया जो स्टार्च पैक करेगा, पैनक्रेटिक लाइपेज, देखो जहां भी लाइपेज जाएगा वो फैट पैक करेगा, जहां भी अमाइलेज जाएगा वो स्टार्च पैक करेगा, ठीक है, और जहां भी जेन करके नाम आ जाएगा वो प्रोटीन पैक करेगा। अब तीसरा बात करते हैं ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन ये ट्रिप्सिनोजेन एक्ट कर, एक सेकंड रुको, ट्रिप्सिनोजेन एक एंजाइम है इंटरोकाइनेज, इंटरोकाइनेज ये कहां से आता है? फ्रॉम सकस इंटरिकस, सकस इंटरिकस कहां से आएगा बच्चा, कोई बताएगा सकस इंटरिकस क्या है? क्या से? सकस इंटरिकस क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस आया उसको तो बोले, तो ये आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। और ये ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होकर कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। अब ये ट्रिप्सिन भी पेप्सिन की तरह ऑटो कैटलिस्ट है, ठीक है, ये भी ऑटो कैटलिस्ट है। अब सुनना, तीन चार नाम लिख रहा हूं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे, ठीक है, सबका सब ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे। ये भी ऑटो कैटलिस्ट था अगर आपको याद हो, एक बार ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कर दिया इंट्रोकाइनेज, अब ये ट्रिप्सिन बाकी सारे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देता है उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब देखना, अच्छा सोनाली, सोनाली हो क्लास में? यस सर। हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दे अटेंडेंस का।
अच्छा एक और बात यहाँ हमको याद आ रहा है, काइमोट्रिप्सिन के बारे में लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। इट कैन ऑल्सो कोएगुलेट मिल्क प्रोटीन, इट कैन ऑल्सो कोएगुलेट मिल्क प्रोटीन, और इसीलिए सो हैज सिग्निफिकेंट So has significant role in milk digestion. Milk digestion in adults. ठीक है, इसका मिल्क डाइजेशन में भी सिग्निफिकेंट रोल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे, पेप्टोन या प्रोटियोजेस, प्रोटियोजेस या फिर और अदर स्मॉल पेप्टाइड्स का बात करें, अदर स्मॉल पेप्टाइड जो होगा इसका रोल होगा, जैसे इस पे एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, या फिर इसी का काइमोट्रिप्सिन बोलो आप, बैकग्राउंड से आवाज, काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ठीक है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एक्ट करेगा और कन्वर्ट होगा ऑलिगो पेप्टाइड्स में, और कन्वर्ट होगा ऑलिगो पेप्टाइड्स में, ऑलिगो यानी स्मॉल। ठीक है, ओलिगो यानी स्मॉल होता है, स्मॉल पेप्टाइड्स, स्मॉल बोले या फिर इसको बोले जैसे स्मॉल नीचे डाई पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड इस तरह से। ठीक है, और एक और इसमें होता है न्यूक्लिएजेस, NUCLEASES न्यूक्लिएजेस। ठीक है, न्यूक्लिएजेस में जैसे डीएनएज या आरएनएज, डीएनएज या आरएनएज। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट होता है, एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड। NUCLEIC इस पे एक्ट होगा न्यूक्लिक एसिड पे। आप सोचो कोई भी चीज अगर आप खा रहे हो तो एक सेल ही होगा ना, सेल होगा तो यानी उसमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस यानी डीएनए भी होगा, हो सकता है आरएनए भी हो, तो इन न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट ऑन करता है न्यूक्लिएजेस। जो भी न्यूक्लिक एसिड है
न्यूक्लियस एक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है यहां तक बताइए, किसी को दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। देखो ध्यान से, हमने बाइल कवर करा पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में पैनक्रियाटिक जूस करा, अगले क्लास में हम लोग इसमें चलेंगे। अभी तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।